please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियल्टी मीडिया के एक और एपिसोड में। आज मेरे साथ मौजूद है एक और घर खरीदार जो एक बड़े बिल्डर के सताए हुए हैं। लोग आम लोग अपनी गाढ़ी कमाई को जमा करते हैं, अपना एक सपनों का आशियां बनाते हैं और बड़े बिल्डरों के बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लगा देते हैं इस उम्मीद में कि उनका जो सपनों का घर है वो हकीकत बनेगा और वो बिल्डर उन्हें बना के देगा। वैसे ही एक घर खरीदार हैं एसएस चौहान जी। स्वागत है चौहान जी आपका हमारे शो में। चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कब इन्वेस्ट करा था और किस बिल्डर के किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा था। जी, मैंने जनवरी में ऑनलाइन देखने के बाद मेफेयर सोसाइटी में बुक किया था एक फ्लैट, और उस फ्लैट को खरीदने की उनकी टर्म्स कंडीशन को एग्री करके मैंने उनको पैसा दिया था। मेफेयर कहाँ पे है ये? मेफेयर ग्रेटर नोएडा लगता है वहाँ पे। कौन से सन में दिए थे आपने ये पैसे? मैंने जनवरी 17 में दिए थे। कितने लाख रुपए पे बुकिंग करवाई थी आपने? मैंने शुरू में 51,000 रुपये से बुकिंग कराई थी और उनकी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से मैं उनको 270,000 रुपये अभी तक दे चुका हूँ। दिक्कत कहाँ पर आनी शुरू हुई आपको? दिक्कत उन्होंने जब कहा था कि मेरे से कि अगर आपकी पेमेंट का या कोई भी आपकी प्रॉब्लम आया, अगर आप कैंसिल कराना चाहें तो आपका कुछ पैसा काट के आपको रिफंड हो जाएगा। तो मेरी जब फाइनेंशियली मेरी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा था आगे, तो मैंने उनको कहा कि मेरा पैसा रिफ़ंड कर दीजिए। बस उन्होंने वहीं से मुझे जो है टाल मटोल करना शुरू किया और मेरा पैसा आज तक वापस नहीं किया। जब आप सबसे पहली बार वहाँ पे गए कि मुझे कैंसिल कराना है, रिफ़ंड चाहिए मुझे मेरे पैसे, तब उन्होंने क्या कहा? तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए और मैं आपका पैसा जल्दी से जल्दी वापस करा दूंगा, लेकिन 2-3 महीने का समय लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, जितना समय लगे लगा लीजिए, लेकिन मेरा पैसा रिफ़ंड कर दीजिए। सबसे पहली बार आप कब गए थे वहाँ पे, कौन से महीने में? मतलब मैं मई के लास्ट वीक में गया था, मई 17 में। फरवरी में बुक करवाया था आपने और मई में आप उनके पास कैंसिलेशन के लिए गए थे। मई में उन्होंने कितना वक्त का टाइम कहा था आपसे? उन्होंने कहा था कि 3 महीने लगेंगे कम से कम। फिर आप कितने टाइम बाद गए उनके पास? फिर मैं उनके पास सितंबर लास्ट में मैंने मांगा, तो उन्होंने कहा कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, अभी मैं ख़रीदारी भी और बिक्री बहुत ज़्यादा होती है तो अभी मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं इसके बाद दूंगा नवरात्र के बाद। उसके बाद फिर आप गए नवरात्र के बाद? उसके बाद मैंने उनसे जब कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने टाल मटोल करने लगे और कहने लगे कि अभी नहीं दे पाऊँगा, अभी बिल्डर बाहर है, डेवलपर बाहर है, इस तरीके से वो मेरे को लिंगर करते चले गए। फिर अब क्या कहानी है? अब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि आपका 10% का एग्रीमेंट बन चुका है और एग्रीमेंट बनने के बाद कोई पैसा मैं वापस नहीं करूंगा और आपका कोई रिफंड नहीं बनता है। आपने उनसे सवाल नहीं पूछा था कि जब मैं आपके पास मई में आया था तब आपने मुझसे क्यों नहीं कही थी ये बात? वो कहने लगे कि आप ब्रोकर से बात करिए, मुझसे बात मत करिए। फिर आप ब्रोकर के पास गए? जी, ब्रोकर के पास गया था। ब्रोकर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ, मैं सामने बात करूँगा। और जब मैं ब्रोकर को लेकर उनसे मिलने गया तो उन्होंने खुद तो मिले नहीं और अपनी सेक्रेटरी या जो भी उनकी कर्मचारी है उससे बात कराई, और वो कर्मचारी बहुत बदतमीजी से बात करते हुए बोली कि नहीं, मैं कोई पैसा रिफंड नहीं करूँगी और आपको जाइए, जो करना है कर लीजिए। मतलब उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि हम पैसा नहीं करेंगे। एक इंसान की गाड़ी कमाई बिल्डर ढकार गया, मतलब ले लिया, और अब वापस देने के वक्त भी तैश में वो हैं जिन्होंने पैसा ले लिया है। देनदार ये हैं, लेनदार वो है, और जो देनदार है वो गिड़गिड़ा रहा है लेनदार से कि मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। बताइए कैसे हालात आ गए हैं, कैसा हो गया है। जब आप मई में उनके पास गए थे तो आपने कितनी अमाउंट उन्हें जमा करवा दी थी उस वक्त तक? मई में उनको 270,000 दे चुका था मैं। तो उन्होंने वापस करने के लिए क्या कहा था? मतलब उस टाइम आपसे जब उन्होंने कहा था कि हम वापस करेंगे, तो क्या पूरे पैसे वापस करने के लिए उन्होंने कह दिया था? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं सर्विस टैक्स काट के पैसा दूंगा। तो मैंने कहा कितना कट जाएगा, तो कहने लगे आपका सर्विस टैक्स 20,000 रुपया करीब कट जाएगा और 2.5 लाख के करीब आपका वापस हो जाएगा। आप बिल्डर से अब ये नहीं कहते कि पहले आपने 2.5 लाख का गणित किस हिसाब से निकाला था जब वापस करने का प्रावधान ही नहीं है? तो बिल्डर कहता है ये मेरी कोई वो नहीं है, आप एग्री जहां आपने बुक कराया था ब्रोकर से बात करिए, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे पास जो पेपर का की जो एक्टिविटीज़ हैं जो उसके हिसाब से आपका कोई रिफंड नहीं बनता है। अब तक आप अपने पैसे वापस लेने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर चुके हैं?
मैं कार्रवाई के लिए सब उनको बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहा, उनके पास जाता रहा, उनका उनके हेड ऑफिस में दौड़ा, उनसे उनके जो हेड थे उनसे बात करने के लिए भागता रहा, लेकिन वो कोई भी मिलने को तैयार नहीं है। और उनकी जो कर्मचारी है वो बदतमीज़ी से बात करती है और बार बार यही कहती है कि आप हमको फ़ोन मत किया करिए, आपको आपका कोई रिफंड बनता ही नहीं, तो आप मेरे को बार बार फ़ोन क्यों करते हैं। अब आपका आगे क्या कार्रवाई करने का विचार है आपके मन में, क्या आप क्या कदम ऐसे उठाएंगे जिससे आपको लगता है कि आपके पैसे वापस मिलेंगे? नहीं, मैं तो कदम क्या उठाऊंगा, मैं तो यही कोशिश में हूं कि अगर किसी तरीके से कोई तरीका बनता है, और नहीं तो फिर FIR या जो थाना चौकी या जो भी तरीका हो सकता है जो मेरी समझ में आएगा उसको मैं करूंगा बात। क्या आप ये कदम उठाना चाहते थे? जी बिल्कुल, मैं तो ये चाहता था कि इस तरीके से मालूम तो हो लोगों को। आप जब पहली बार बिल्डर के ऑफिस गए थे कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैं अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ, तो आप कौन से ऑफिस में गए थे और आपने वहाँ पे किससे बात करी थी? मैं इनका पता लगा के सुपर सिटी का जो ऑफिस था मेघलानी ग्रुप, ये प्रीत विहार में इनका ऑफिस था, वहाँ पता करके मैं गया। वहाँ जाके मैंने पता किया तो पता लगा कि मिस्टर गुलाटी कोई हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं इस बारे में, मेफेयर का काम वही देखते हैं। परंतु जब उनसे मिलने के लिए कहा तो उन्होंने, मैंने कहा आप उनको मिलवा दीजिए, बोले अभी है नहीं वो, और मैंने उनका नंबर मांगा, कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, तो कांटेक्ट नंबर उन्होंने नहीं दिया, बोले नहीं वो नंबर हम लोग नहीं देते। किसने देने से मना कर दिया? रिसेप्शन में बैठी हुई थी जो, उन्होंने मना किया। उसके बाद मैंने पता किया कि मैं किससे मिल सकता है या किससे बात करूं, तो वो कहने लगे आप जो भी बात करनी है इस बारे में वो आकांक्षा मैडम से बात करिए। वो आकांक्षा मैडम जो है वही ये देखती हैं, वही रिफंड भी देखती हैं, वही वहाँ का सारा काम देखती हैं, आप उन्हीं से मिल लीजिए, वही आपका काम कराएंगी। शुरुआत में आपको कहा गया था कि रिफंड मिलेगा, फिर आकांक्षा मैडम से आप जब मिले तो फिर उन्होंने आपको क्या कहा? आकांक्षा मैडम से जब मैं पहली बार मिला था तो उन्होंने भी कहा था कि मैं रिफंड आपका करवा दूंगी, मेरे पास NOC आ जाए मैं रिफंड करा दूंगी। फिर मैंने कहा कहाँ से आएगी NOC, बोले वो आप वहाँ से फ़ोन करते रहिए, राधिका को फ़ोन करिए, फिर मानसी को फ़ोन करिए। ये राधिका कौन है और मानसी कौन है? ये इन लोगों के, इनका भी ऑफिस है और ये ऑफिस की कर्मचारी हैं ये लोग, ऑफिस में काम। मतलब ये लोग क्या काम देखते हैं और ये NOC कैसे दे रहे हैं, मैं ये थोड़ा प्रोसीजर जानना चाहता हूँ। ये मुझको भी बहुत क्लियर तो नहीं बताया, उन्होंने कहा कि एक राधिका जी हैं 360 में, आप उनसे मिल लीजिए। तो मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है मिलने की, बोले नहीं तो ठीक है आप उनसे कॉन्टेक्ट करते रहिए, वो NOC देंगी, वहाँ से NOC आएगा। फिर कहने लगी वो मानसी जी हैं गुड़गांव में, वहाँ से, वहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ से NOC आएगा, तब आपका चेक बनेगा। तो शुरू में वो चेक देने के लिए तैयार थी, लेकिन बाद में मैंने जब किसी भी तरीके से पता लगाया कि गुलाटी जी कौन हैं, गुलाटी जी से भी बात करूं, क्योंकि आकांक्षा जी मुझे सिर्फ समय दे रही थी, देर लेट पे लेट कर रही थी और कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे रही थी, तब मैंने गुलाटी जी का नंबर जब पता किया तो गुलाटी जी मुझसे एकदम बिगड़ने लगे, कहने लगे आपको मेरा नंबर किसने दिया, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं करता हूं, जो भी बात करनी है आपको आप मेरे ऑफिस में बात करिए। आपने फिर उनसे क्या कहा? मैंने गुलाटी जी से कहा ठीक है मैं ऑफिस में बात कर लूँगा। तो फिर वहाँ पर जब मैं गया उनसे मिलने के लिए रिसेप्शन से, उन्होंने कहा ब्रोकर को लेके आइए, तो मैं अब देखूँगा बात करूँगा। मैं ब्रोकर को लेके गया तो रिसेप्शन में उसने मुझे नाम मिलवाया और मुझको आधा घंटा पौन घंटा बैठा के और मुझसे कह दिया कि वो तो चले गए हैं सर, अब मैं आपका मैसेज उनको दे दूँगी। आपसे कभी मिले गुलाटी जी? नहीं मिले? नहीं, मुझसे आज तक नहीं मिले। मतलब आपका पैसा भी ले लिया और आपसे आज तक कभी नहीं मिले? उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि आप आकांक्षा मैडम से बात करिए। जब मैंने उनसे बात किया तो आकांक्षा मैडम जो है बदतमीजी से बात करने लगीं और मेरे सामने मेरे ब्रोकर को भी दम देने लगीं, डांटने लगीं कि आपको कुछ आता जाता नहीं, आप लोग कैसे बेचते फिरते हैं, अपना कमीशन खा लेते हैं और मैं कुछ नहीं जानती, आपको जो करते बने कर लीजिए, मैं पैसा कोई रिफंड नहीं करूँगी। उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था कि हमने किसी की गाड़ी कमाई रख ली है, किसी की जीवन भर की पूंजी हमने रख ली है और उसके बाद भी कह रहे हैं कि आपको जो मर्जी करना है कर लीजिए? नहीं नहीं ऐसे डर की तो कोई बात ही नहीं, हो तो बहुत ही रूडली उन्होंने शुरू किया था, वैसे ही वो बोलती रही बात तक कि आप जाइए, और वो बात करने को तैयार नहीं, वो अपने कमरे से भाग के बार बार अपने ऑफिस से बड़े हॉल में चली जाती थी या दूसरे रूम में चली जाती थी, वो खड़े खड़े उन्होंने चलते फिरते बात की, बैठ के बात भी नहीं की। आपने जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट पूरा पढ़ा था, उसके अंदर प्रावधान था वापसी का, रिफंड का? मैंने खुद पढ़ा, मैंने जितना मुझे आता था, मेरे ब्रोकर ने पढ़ा, मेरे बेटे को जो भी है मैंने वहीं पर ऑन स्पॉट पढ़वाया, ऑन स्पॉट पढ़ा के आकांक्षा जी को बताया कि देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है, मेरे ब्रोकर ने मुझसे ज़्यादा लाउड वॉइस में बताया कि देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा, आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं, कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लिखा है उसमें, आप पढ़ नहीं पा रहे।
अब बताइए, अब इसके आगे क्या कहा जाए जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पैसे वापस हो जाएंगे। बिल्डर ने भी शुरू में कहा, मई में इनसे कहा कि आपको पैसे वापस हो जाएंगे, सर्विस टैक्स काट के वापस करा जाएगा। अगर वापसी का प्रावधान ही नहीं था तो फिर सर्विस टैक्स काटने की बात कहाँ से आई? मतलब दाल में कुछ तो गड़बड़ है। और तेवर देखिए बिल्डर के, पैसे इनके हैं, इन्होंने उन्हें दिए हैं, अब वापस देने के वक्त इन्हें इनके तेवर सख्त होने चाहिए, तो उल्टा उनके तेवर सख्त हैं और वो धमकी दे रहे हैं जो मर्जी करना है कर लीजिए। क्या ऐसे ही चलती रहेगी सरकार? क्या ऐसे ही बनेंगे बड़े प्रोजेक्ट्स और ऐसे ही बायर्स जाएंगे बिल्डर के पास? और खबरों के लिए देखते रहिए रियल्टी मीडिया। राकेश सिंह की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन हर्षित चौधरी के साथ।